नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई के ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इस लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई के बारे में। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। इसके पहले हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका पढ़ाया था। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने तीन तरीके का वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल पढ़ा था। उसमें भी कई सारे टाइप पढ़े थे हमने कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें तीन टाइप का पढ़ा था मैंने हम लोगों ने कि तीन फेज होते हैं। पहले प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी होता है, मियोसिस होता है, फिर नया फेज बनता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें और डिटेल में हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और इन नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल किसका देखते हैं हम लोग? फंजाई का। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई की बात की जाए तो यहाँ एक जनरल लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे जनरल लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें तीन प्रोसेस होती है। पहला प्रोसेस क्या होता है? प्लाज्मोगैमी का। ठीक है, पहला प्रोसेस होता है प्लाज्मोगैमी का, जिसमें जो आपका माइसीलिया है, ठीक है, माइसीलिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे माइसीलिया, ठीक है, माइसीलियम क्या होता है, हाइफी क्या होता है, नया स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो माइसीलियम होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है, यानी कि दो माइसीलिया आपस में फ्यूज़ करेंगे तो इनके जो प्रोटोप्लास्ट हैं, ठीक है, अंदर जो प्रोटोप्लास्ट पाए जाएंगे वो क्या होंगे, आपस में फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज आता है हेट्रोकैरियोटिक स्टेज। अब हेट्रोकैरियोटिक स्टेज में क्या होगा, इन दोनों सेल का क्या होगा, एन, एक सेल का एन हैप्लॉयड, हैप्लॉयड सेल आएंगे, इन दोनों का जो एन है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो आके फ्यूज करेगा। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट कैरियन न्यूक्लियस, डिफरेंट न्यूक्लियस आपस में आके फ्यूज करेंगे और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कैरियोगैमी कहा जाएगा। ठीक है, कैरियोगैमी का प्रोसेस होगा, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। अभी तक यहाँ क्या था, एन था। ठीक है, एन एन मिलके क्या बनाए, टू एन बनाए, यहाँ कैरियोगैमी का प्रोसेस हुआ और अब क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट का क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, इस मियोसिस से फिर क्या बनते हैं, फिर मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था। रिडक्शनल डिवीजन मतलब, रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का घटना। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन में जो एक दो जाइगोट अगर बने हैं तो उससे क्या होगा, एक बन जाएगा। ठीक है, एक बना है तो उससे हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर रिडक्शन होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2n बना था, अब स्पोर क्या बनेंगे, n बनेंगे। 2n का मतलब मान लीजिए, जैसे हम लोगों में 2n का मतलब होता है 46, तो अगर इसका हाफ किया जाए तो 23 बनेगा। उसी तरीके से ये 46 अगर मान लीजिए था, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, स्पोर का जर्मिनेशन हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जर्मिनेट कर जाएंगे, फिर जर्मिनेट करके ये क्या बना लेंगे, माइसीलिया बना लेंगे। उसी तरीके से अगर बात की जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइसीलिया बनता है, माइसीलिया से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो स्पोर एन बनते हैं और फिर जर्मिनेशन होता है, न्यू माइसीलिया बनता है। इस तरीके से क्या होती है, इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे एक डायग्राम और यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम और दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हैप्लॉयड स्टेज है यहाँ पे, और नीचे डिप्लॉयड स्टेज, और ये डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी हुआ, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमीट हुआ। फिर जब उनका फ्यूजन हो गया तो न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, जो डाइकैरियोटिक स्टेज था, यन हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद कैरियोगैमी हो जाएगा। कैरियोगैमी का मतलब दोनों एन आकर मिल जाएंगे साथ में और जाइगोट बन जाएगा, फिर जाइगोट का मियोसिस होगा, फिर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर एन बनेंगे, स्पोर्स एन बनेंगे, फिर इनमें माइटोसिस होगा। ठीक है, अब मेटिंग टाइप प्लस है, ठीक है, माइसीलियम यहाँ पे बनेगा, फिर मेटिंग टाइप से इसी तरीके से क्या होगा, साइकिल चलती रहेगी। ये दो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाए,
तो इनमें जनरली तीन स्ट्रक्चर देखे जाते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। और ये तीनों स्टेज अलग अलग, जैसे प्लाज्मोगैमी में ये हैप्लॉइड स्टेज में रहेंगे, कैरियोगैमी में हेटरोकैरियोटिक स्टेज में रहेंगे, और मियोसिस तक ये टू डिप्लॉयड टू एन स्टेज में रहते हैं, उसके बाद ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और दिखाया गया है कि किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, वही बात बताई गई है कि किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, वही चीज़ दिखाई गई है सेम, कि यहाँ पे पहले क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ प्लाज्मोगैमी हो गया। अब हेटरोकैरियोटिक एन प्लस एन मिलेंगे, कैरियोगैमी दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा। यहाँ तक क्या है, मियोसिस होगा, ये डिप्लॉयड स्टेज है, डिप्लॉयड के बाद फिर रिडक्शनल डिवीजन इनमें होगा, रिडक्शनल डिवीजन के बाद ये हैप्लॉयड यानी कि एन बन जाएंगे, फिर स्पोर, हाइफा, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर चलता रहता। ठीक है, अब फंजाई के लाइफ साइकिल की बात की जाए तो फंजाई का लाइफ साइकिल जनरली तीन टाइप का होता है, हैप्लॉयड लाइफ साइकिल यानी कि जहाँ पे नंबर ऑफ एन क्या होगा ज़्यादा होगा, डिप्लॉयड लाइफ साइकिल यानी कि जहाँ पे क्या होगा 2n, नंबर ऑफ 2n यानी कि ये स्टेज जो है डिप्लॉयड स्टेज, डिप्लॉन्टिक का मतलब ये डिप्लॉयड स्टेज जहाँ पे ज़्यादा होगा। और तीसरा आपका आता है हैप्लो डिप्लोबायोन्टिक, यानी कि ऐसा जो है साइकिल जिसमें n और 2n दोनों क्या हों बराबर स्टेज में चलें, इस तरीके के लाइफ साइकिल को क्या कहा जाता है, हैप्लो डिप्लोबायोन्टिक। तो इस तरीके का इनका लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे हैप्लॉयड लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, तो हैप्लॉयड लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए तो हैप्लॉयड लाइफ साइकिल जनरली किस फंजाई में देखा जाता है, जिसको कि ईस्ट भी कहते हैं, सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस। ठीक है, इस फंजाई में जनरली देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो हैप्लॉयड फेज बहुत इलेबोरेटेड होता है, बड़ा होता है, जबकि डिप्लॉयड फेज बहुत शॉर्ट होता है, कन्फाइंड इसमें जायगोट पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट स्टेज में पाया जाता है, अभी आपको मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये पाए जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये पूरा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जा रहा है, स्पोर एन है। ठीक है, और गैमेटोफाइट एन और गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, उसके बाद सिनगैमी हो रहा है, सिनगैमी के बाद यहाँ जाइगोट बन रहा है और मियोसिस हो रहा है। ठीक है, तो जो डिप्लॉयड स्टेज है 2n है वो देखिए कितना शॉर्ट है, जबकि जो हैप्लॉयड स्टेज है वो कितना बड़ा है। तो इस तरीके से इनमें देखा जाता है स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि किस तरीके से इनमें क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी, स्पोर्ट्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक 2n है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, n आ जाएगा, और यहाँ तक पूरा क्या होता है, ये n साइकिल चलती रहती है। इसमें क्या होता है और चीज़ें इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसमें टू सोमैटिक गैमेटेंजिया मीट करते हैं पेयर में और फॉर्म करते हैं प्रोटर्बेंस टुवर्ड द अदर, एक दूसरे के तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इनके सेल वॉल क्या होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, जहाँ ये मीटिंग पॉइंट है इनके सेल वॉल्व क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। कल मैंने आपको रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटेंजियल फ्यूजन के बारे में बताया था। ठीक है, अब इनके इस पॉइंट पे क्या हो गया, इनका एक क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब, इस तरीके से कॉन्जुगेशन ट्यूब का ये क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसके थ्रू क्या होता है, इनका जो गैमिट है वो इंटर करता है। ये चीज मैंने कल जब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया था वहां बताया था, इसलिए मैंने कहा था कि रिप्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ साइकिल देख रहे हैं तो आप रट तो लेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि गैमेटेंजिया क्या है, क्या कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको डायग्राम सहित दिखाया है वहां पे। तो डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में रहता है कि व्हाट इज कॉन्जुगेशन ट्यूब, कैसे उसमें से न्यूक्लियस मूव करके अंदर की तरफ जा रहा है और यहां से दूसरा न्यूक्लियस आ रहा है और ये फर्टिलाइज कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करके ये क्या कर रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों के न्यूक्लियाई क्या होंगे, दोनों गैमेटेंजिया के न्यूक्लियाई मूव करेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब में और फ्यूज करके क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जाइगोट फंक्शन करता है एस्कस की तरह, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, एस्कस बोला जाता है, विच आफ्टर फर्स्ट मियोसिस, जो फर्स्ट मियोसिस के बाद और सेकंड माइटोटिक डिवीजन के बाद एट हैप्लॉयड एस्को स्कोर बनाते हैं, मतलब इनका नंबर क्या होगा, 8n होगा। ठीक है, नंबर में 8 रहेंगे लेकिन n रहेंगे। ठीक है, हैप्लॉयड स्टेज में रहेंगे। ठीक, दीज इसको स्कोर, दीज एस्को स्पोर सॉरी आफ्टर लिबरेशन बिहेव लाइक सोमैटिक सेल, जब ये एस्को स्पोर क्या होंगे, लिबरेशन यानी कि फैल जाएंगे बाहर की तरफ, तो ये सोमैटिक सेल की हेल्प तरह हेल्प करने लगेंगे। ठीक है, दस हैप्लॉयड फेज इज लार्जर कंप्लीटली टू
डिप्लॉयड फेज, यहाँ पे इस वजह से क्या होता है, हैप्लॉयड फेज ज़्यादा बड़ा होता है कंपेरेटिव टू डिप्लॉयड फेज के, ठीक है। इस तरीके के लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। दूसरा लाइफ साइकिल आपका होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में भी देख सकते हैं आप, यहाँ डायग्राम देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डिप्लॉयड स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिप्लॉयड स्टेज है वो क्या है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। डिप्लॉयड स्टेज क्या है, काफ़ी बड़ा है। डिप्लॉन्टिक यानी कि जो 2N वाला स्टेज है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा है यहाँ पे, सिनगैमी और जाइगोट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, ये क्या है, काफ़ी बड़ा है। जबकि हैप्लॉयड स्टेज की बात की जाए, एन की बात की जाए, तो ये काफ़ी छोटा है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड स्टेज काफ़ी बड़ा होगा और डिप्लॉयड स्टेज छोटा होगा, जबकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड स्टेज काफी बड़ा होगा और हैप्लॉयड स्टेज छोटा होगा। यहां पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके से, इनमें क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस चलती है एम, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी होता है, कैरियोगैमी के बाद बी ये सोमेटिक सेल बनेंगे, फिर मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद ये देख रहे हैं इस तरीके से ये 2N की लाइफ साइकिल कितनी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद ये छोटी सी क्या हो रही है, N की लाइफ साइकिल है, यानी कि हैप्लॉयड स्टेज की लाइफ साइकिल है। इस तरीके का जो लाइफ साइकिल है कॉमनली एक ईस्ट यानी कि जो फंजाई में रिपोर्ट किया गया है, जिसको कहते हैं सैक्रोमाइसिस लडविगी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस लडविगी में ये क्या हुआ रिपोर्टेड है। ये क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के, यहाँ डिप्लॉयड स्टेज काफ़ी बड़ा होता है और हैप्लॉयड स्टेज क्या होता है, शॉर्ट होता है, जो एस्कोस्पोर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये एस्कोस्पोर गैमेटेंजिया की बिहेव की तरह बिहेव करते हैं, जो कि पेयर बाय फ्यूजन एंड फॉर्म जाइगोट सेल, जो कि फ्यूजन करते हैं, पेयर में आके एक दूसरे के साथ आएंगे और क्या करेंगे, स्मॉल ट्यूब जिसको कि कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, इस तरीके के यहाँ इस तरीके से एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे इस तरीके से एक दूसरे के पास आएंगे, ये हो गया और ये हो गया, और बीच में क्या करेंगे, इस तरीके से कॉन्जुगेशन ट्यूब का ये फॉर्मेशन करते हैं, और यहीं पे क्या होता है, इसका न्यूक्लियस आएगा, दूसरे का न्यूक्लियस, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से आप एक रफ डायग्राम भी बना सकते हैं, या डायग्राम के लिए आप रिप्रोडक्शन वाली क्लास देखेंगे तो वहाँ गैमेटेंजियल फ्यूजन के बारे में मैंने बताया है। द जर्म ट्यूब बिकम मल्टी सेलुलर एंड फंक्शन एज अ डिप्लॉयड स्प्राउट माइसीलियम, इनमें जो जर्म ट्यूब हो जाएंगे वो मल्टी सेलुलर हो जाएंगे, ठीक है, कई सेल बन जाएंगे उनमें और वो डिप्लॉयड स्प्राउट माइसीलियम की तरह वर्क करने लगेंगे, ठीक है। न्यू डिप्लॉयड ईस्ट सेल फॉर्म्स बड्स जो कि डिटैच हो जाएंगे आफ्टर मैच्योरेशन, जो नए डिप्लॉयड ईस्ट होंगे वो क्या करेंगे, बड का फॉर्मेशन करेंगे। बड क्या होता है, आउटग्रोथ होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, मैंने आपको बताया है माइसीलिया, इस तरीके से बड बन जाएगा, जो कि मैच्योरेशन के बाद पेरेंट माइसीलिया से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक स्प्राउट सेल की तरह, मतलब एक उगने वाले बीज, स्प्राउटेड, आप सबने स्प्राउटेड जो चना वगैरह है उसको खाया होगा, अंकुरित जिसको कहते हैं, ठीक है, अंकुरित सेल की तरह ये वर्क करने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको क्या करना होता है, जर्मिनेट करना होता है। दस आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशन दीज सेल फंक्शन एज स्काई, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, एस्कस की तरह बिहेव करने लगेंगे, और डिप्लॉयड ऑफ ईच एस्कस आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड स्पोर, ये तो बात जानते ही हैं कि जब मियोसिस होगा तो उसके बाद क्या होगा, हैप्लॉयड स्पोर बनेगा और फिर वो जर्मिनेट करके नया सेल बना लेगा। इस तरीके से डिप्लॉयड लाइफ साइकिल पूरी होती है। तीसरी आता है आपका हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपका दोनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी। ये आपका हैप्लॉयड स्टेज हो गया नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ आपका क्या हो गया, डिप्लॉयड स्टेज हो गया, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। डिप्लॉयड भी उतना ही है और हैप्लॉयड भी उतना ही है, ये कलर आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ गेमिटोफाइट का, और यहाँ क्या है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ स्पोरेंजियम। स्पोरोफाइट का मतलब होता है 2N और गेमिटोफाइट का मतलब होता है N। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्वल स्टेज में है, ठीक है। अब इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके के लाइफ साइकिल में दोनों हैप्लॉयड और डिप्लॉयड क्या होते हैं, इक्वली लॉन्ग होते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि हैप्लॉयड ज़्यादा है डिप्लॉयड कम है, डिप्लॉयड ज़्यादा हैप्लॉयड कम है, नो, देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड्स लाइफ साइकिल्स जर्नी, दे आर सेम इन टाइमिंग, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सेम होंगे। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज रिपोर्टेड इन सैक्रोमाइसिस सर्वीसी, जो ईस्ट है ये भी इसी में देखा जाता है, लेकिन कौन सी वैरायटी में, सैक्रोमाइसिस सर्वीसी में।
इस केस में टोटल एस्को स्पोर क्या होते हैं, बनते हैं आउट ऑफ फोर जो होते हैं, दो ग्रुप मेटिंग टाइप के होते हैं, प्रत्येक एस्कस में से दो ग्रुप क्या होंगे, मेटिंग टाइप के होंगे। नॉर्मली टू डिफरेंट मेटिंग टाइप्स हैप्लॉयड सेल मल्टीप्लाई बाय बडिंग, और नॉर्मली ये किसके द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं, बडिंग के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं। इन सर्टेन एनवायरमेंट कंडीशन टू सोमेटिक सेल ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप बिहेव्स एज अ गैमेटेंजिया एंड फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट। अब अगर क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, कुछ सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन आ गया तो जो अपोजिट सोमेटिक सेल होंगे वो किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, गैमेटेंजिया की तरह बिहेव करने लगेंगे और डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे बडिंग के थ्रू, और न्यूमरस डिप्लॉयड सेल बना लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन जैसे कि अगर स्कार्सिटी ऑफ फूड हो गया, डिप्लॉयड सेल हो गया, तो ये सेल फंक्शन किसकी तरह करने लगते हैं, एस्कस की तरह करने लगते हैं, और प्रत्येक एस्कस चार एस्को स्पोर बनाता है जो कि क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू बनता है, ठीक है, यानी कि मियोसिस के थ्रू बनता है। दीज इसको स्पोर आफ्टर लिबरेशन फॉर्म मेनी हैप्लॉयड सोमेटिक सेल बाय बडिंग, और यही इसको स्पोर क्या करते हैं, बहुत सारे हैप्लॉयड सेल बना लेंगे बडिंग के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो आपको तीन तरीके की लाइफ साइकिल इसमें पढ़नी थी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या हैप्लॉयड या डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, या हैप्लोडिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। तो आशा करती हूँ इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी, और अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, वहां आपके क्वेश्चन को जरूर देखा जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।